हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आज हम गदर 2 और टाइगर 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दिवाली के मौके पे टाइगर 3 मूवी रिलीज़ हुई थी और आज उस मूवी को रिलीज़ हुए चौथा दिन चल रहा है। दोस्तों 4 दिन हो गए हैं मूवी को ताबड़तोड़ कमाई करती हुई जा रही है, और जिस तरीके से ये मूवी कमाई कर रही है वैसे कह सकते हैं कि भाई ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होगी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होगी। वैसे गदर 2 मूवी आप सभी जानते हैं कि भाई जिस तरीके से गदर 2 मूवी ने वो सफलता हासिल की, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी का टैग हासिल किया, यानी सनी देओल जो इतने प्रचलित हुए हैं गदर 2 मूवी से कि आज हर कोई डायरेक्टर, हर कोई प्रोड्यूसर यही चाहता है कि भाई मैं सनी देओल के साथ फिल्म बनाऊं। वैसे आप सभी को ये भी पता है कि भाई मात्र 50 से लेकर 60 करोड़ रुपए का बजट था गदर 2 का, और उस मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई की। ठीक है दोस्तों, ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो गई है, और अभी उस मूवी के कारण सनी देओल के पास इतनी सारी मूवियों की लाइन लगी हुई है कि हम कह नहीं सकते। बॉलीवुड हो या फिर साउथ हो, आज के टाइम पे सनी देओल एकमात्र ऐसे अभिनेता है जिनके पास सबसे ज़्यादा काम है, सबसे ज़्यादा फिल्में हैं। तो दोस्तों चलो बात करते हैं बिना देरी के इन दोनों के 4 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि भाई कौन सी मूवी किस दिन किस मूवी पर हावी रही। दोस्तों वैसे टाइगर 3 मूवी लगभग 300 करोड़ रुपये मूवी का बजट, और टाइगर 3 मूवी को मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया है, जिसे प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने, और इस मूवी को 9000 स्क्रीन पर पूरे वर्ल्ड के अंदर रिलीज़ किया गया है। वहीं 3800 स्क्रीन पर गदर 2 मूवी को रिलीज़ किया गया था, और गदर 2 के डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा। गदर 2 के अंदर सनी देओल, उत्कर्ष शर्मा और ये अमीषा पटेल अहम किरदार में नज़र आए थे। गदर 2 के अंदर जो विलन का रोल निभा रहे थे वो थे मनीष वाधवा, और टाइगर 3 के अंदर जो विलन का रोल निभा रहे हैं वो निभा रहे हैं इमरान हाशमी। दोस्तों बात करूँ दोनों की कंपेरिजन इसमें ये स्क्रीन्स की, तो गदर 2 को 3800 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया था और टाइगर 3 को 9000 स्क्रीन्स पर। यानी जिस तरीके से अगर ये जैसे अगर टाइगर 3 गदर 2 का मुकाबला करे, इसके साथ चले, तो टाइगर 3 को इसके टक्कर यानी इसकी पकड़ बनाने के लिए गदर 2 से 3 गुना ज़्यादा कलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना स्क्रीन्स भी तो ज़्यादा है इसकी। ठीक है तो चलो बात करते हैं भाई। दोस्तों टाइगर 3 ने अपने पहले दिन 44 करोड़ रुपए की अर्निंग की, वहीं गदर 2 ने अपने पहले दिन 40 करोड़ रुपए की अर्निंग की। यानी पहले दिन कौन हैवी रहा, पहले दिन टाइगर 3 भारी रहा गदर 2 पर। दूसरे दिन टाइगर 3 ने 60 करोड़, दूसरे दिन गदर 2 ने 43 करोड़, तीसरे दिन 42 करोड़ टाइगर 3 ने कमाए और 51 करोड़ रुपए गदर 2 मूवी ने कमाए। चौथे दिन आज टाइगर 3 लगभग 30 करोड़ रुपए कमा रही है, और चौथे दिन गदर 2 मूवी ने 38 करोड़ रुपए कमाए। यानी दो दिन टाइगर 3 मूवी है वो गदर 2 पर हैवी रही, और दो दिन जो गदर 2 है वो टाइगर 3 मूवी पर हैवी रही। ठीक है, और वैसे टोटल कलेक्शन के बारे में देखा जाए तो 4 दिनों का गदर 2 का टोटल कलेक्शन 4 दिनों का 173 करोड़ रुपए हो गया था। ठीक है, और वहीं टाइगर 3 का भी लगभग 172 से लेके 173 करोड़ रुपए होता हुआ नज़र आ रहा है आज। तो वैसे कुल मिला के निचोड़ क्या निकलता है, कुल मिला के 4 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का निचोड़ ये निकलता है कि भी दोनों मूवी इक्वल चल रही हैं। अगर स्क्रीन्स की बात की जाए तो 4 दिनों के अंदर जो गदर 2 है वो भारी पड़ती जा रही है किस पे, टाइगर 3, क्योंकि टाइगर 3 को 9000 और गदर 2 को 3800 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया था। और दोस्तों भाई आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके।